tô ouvindo, né? Nossa, que prendo. Bah, que abate. E que tinha me dubar. Puxa, já. बताने वाला होता वो खुद बताता है ऐसे कौन बताने वाला कोई बताने तू सोचा कि यार सुबह सुबह पूछना उससे इतवार है कल किससे उसी से मैं इससे पूछूंगा तो क्योंकि वो वीडियो देख लूंगा तो फोन मार जाएगा
तू कब पूछ रहा था कल? ए क्लासिक एयर पूछ रहा था ना? क्या हुआ? कब है बताया? कब हुआ क्लासिक है? आप समझो थोड़ा, 1768 होगा ऐसे। 1757 है? 1757 51 57 57 हाँ 1757 64 है बक्सर का। बक्सर तो 65 में 64 26 खंडवा का बताते जा रहे हैं, बताते जाए 27 मैं रटन तो विद्या बनूंगा, रटूंगा तभी याद होगा, भूल जाता हूँ। बाबर आया नहीं है वैसे, बाबर आया पानवा बाबा, 3 महीना अगर अच्छे से पढ़ लूँगा दुनिया हो जाए। बताते हैं किसने बाबर आया, पता नहीं किसे यार, मुगल वंश कैसे
पहले बाबर तो है इब्राहिम लोदी के पहले इधर लिखी थी यार बाबर वो तो भूल गया पहले इब्राहिम लोदी है था इब्राहिम लोदी का पहला शासक है ना बाबर है ना जो पश्चिम बंगाल को विभाजन किया था 1905 में और फिर भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी 1911 में आकर दिल्ली में गई 1912 सभी स्वराज पार्टी की मांग किए थे गांधी ने कौन सा 47 के बाद दिया गया 47 के पहले दिया अरे भैया सही तो बोल रहा है पता नहीं कहाँ हाँ तो सही बात है 47 में तो आजादी हुआ है 47 के पहले दिए हमने वो देख बूटा फांसी है तीन जने का भगत सिंह और राजगुरु राज हाँ राजगुरु भगत सिंह और दिवा इसे कुछ नाम से और कोई रहा यार तीनों का फांसी राजगुरु भगत सिंह और एक है यार कोई मंगल पांडे तो छाने मंगल पांडे तो मंगल पांडे के जानते के तो घर रहा है वो यार चमड़ा का पता नहीं कर रहा है यार वो चमड़ा का हो रहा था वो नाल हमने जबरदस्ती करती है ऐसे बहुत सासी आदमी है यार बीच का इन लोगों का नाम है नहीं होता है जल्दी जो नहीं काम के उनका नाम है लाइट बंद कर पढ़ोगे पढ़ो यार 1 बजे तक पढ़ो सर थोड़ा जुनून लाओ हमारे अंदर भी यार कोई बोल दे तो जल्दी याद रहता है जी ऐसे ऐसे याद रहते हैं तू क्या सोच रहा है तू सो रहा है अरे सर जी एक रात के लिए मोर बात कर लेना ओके तब जाकर आइडिया लोग पढ़ाओगे हाँ भाई बन ही रहा है ना कौन डिजिटल बन रही है कौन वो नेहरू पुलु तेरी की शादी पकड़ ली है छोड़ेगी नहीं ये कोई जिंदगी नहीं है जिंदगी हमको नहीं लगी सर अब कंपनी तो यार मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ता है एक बार सही उठाई है अब यहाँ पे 8,000 मिल रहा है ठीक है 8,000 में चाय का खर्चा हो रहा है 5,000 बचा 3,000 अगर तुम डिप्लोमा करके गांव में मतलब हाई स्कूल तक पढ़ा ही सकते हो तब भी 3,000 बच रहा है वहाँ पे ज़्यादा कमा लेता है यार तब भी वहाँ 3,000 बच रहा है तो जी बढ़िया वो बढ़िया है वहाँ पढ़ाई एक पढ़ाई से जुड़े रहोगे और मतलब कि घर पे रहोगे और पढ़ते रहोगे कौन सा बढ़िया रहेगा तो वही काम करना चाहिए ना या कंपनी में क्या कर रहा हूँ पूछ रहे आप संदे बट कंपनी में ग्रोथ कर सकते हो यार इसीलिए स्किल सीख रहा है ना यहाँ पर कंपनी में तो तेरे पास में हुनर तो आ रहा है ना वहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है हुनर आ रहा है कम से कम तुमको नॉलेज हुआ होगा इतना सॉफ्टवेयर ये सब करना जो अभी पढ़ की है ये बात सही है लेकिन तुम अगर तैयारी कर रहे हो तैयारी में फिर ऊंचे बढ़ा दो ना फिर तो दोनों में से एक ही काम होंगे ना तो कंपनी काम ही कर ले या तैयारी कर ले यार ये थोड़ी कंपनी में काम करते करते तैयारी कर लेगा अगर तेरा बेस अच्छा है तो टाइम मैनेजमेंट कर लेता है तो तैयारी भी कर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि कंपनी में कितने घंटे रहता है 8 घंटे तो रहता है बाकी तो बाहर ही रहता है ना 1 घंटे जाने आने निकाल दो डेढ़ चल 10 मान ले और 2-3 घंटे खाने पीने में मान ले 2-3 घंटे घूमने में मान ले फिर भी 14-15 घंटे ही हो रहे हैं 6 घंटे तो सोने में मान ले 21 घंटे हो रहे हैं फिर भी तेरे पास 3 घंटे रोज़ पढ़ता है क्या 3 घंटा बहुत होता है पढ़ना रोज़
अगर पढ़ता हो तो कोई बंदा, 3 घंटा भी नहीं पढ़ता। खुद मैं 24 घंटे फ्री रहता हूँ, फिर भी 3.5 घंटे या 4 घंटे निकाल पाता हूँ ढंग से पढ़ने के लिए, बस बाकी टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा। अरे भैया तुम डिप्लोमे में कितना पढ़े थे, वहाँ तो देख लो दिन भर इधर उधर रहते थे, टाइम को बकचोदी होता था। कभी भी टाइम को, पूरे टाइम को 24 घंटे को मैनेज करके देखना, बहुत टाइम बचता है, बहुत ढंग से मैनेज करेंगे तो पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, इसी बात नहीं पता ही नहीं चलता। तुम फोन पे फेसबुक खोलेगे उसमें 10-15 मिनट जाता है ना, उसका भी पता नहीं चलता कि कितना टाइम गया। वो लगता है अपने को बहुत कम टाइम खर्च हुआ है, लेकिन फोन में बहुत टाइम बर्बाद होता है, दिखती नहीं ना चीज़ें, इसलिए पता नहीं रहता। टाइम का पता जब चलता है, जब जैसे मैं उस दिन एग्जाम में लेट हुआ था, 14 मिनट लेट हुआ था, तब पता चला 14 मिनट क्या चीज़ होती है। नहीं हम जब उठे थे तब आप उठे थे साथ ही में, या आपने बोल दिया होता तो नहीं, मेरे को इतना टाइम पता नहीं था कि 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, अब कल भी 1.5 घंटे लग जाएंगे तो पहले जाना पड़ेगा मेरे को। तो हमको मतलब यहाँ से 5 बजे 5:30 कोई ये भी नहीं मालूम था ना, 6 बजे का पेपर देने हैं, मेरे को नहीं मालूम था, नहीं तुम जगा देते। चलो सो यार, अरे यार मैं कम को नींद नहीं आ रही, रात में उठ के कई बार मतलब कि बीच में पढ़ता हूँ, नहीं तो रात में मैं इधर क्या करा और तो उठ जाता हूँ। हम रोज में सोते नहीं है। कितना समय हो रहा है सर? तुम क्या करते रात को? 11:40 हो गया। 11:40 हम जितना था ना फॉर्म वॉर्म भर लेना, क्या दिक्कत है, 12 बजे बाद में सो जाना, 1 बजे तक सो जाना, क्या दिक्कत, 4-5 घंटे की नींद बहुत होती है यार। अरे जतिन था ना रात में क्या करता था, जतिन साला सबको सुवाते था रात में पढ़ता था उठ के 1 बजे। अरे भाई जतिन ही नहीं हमारे भी दिखते हैं आजकल। अच्छा एक दिन साला जानते हो सजी क्या होता था, वो सबके साथ बकचोदी करके जल्दी सो जाता है, गौरव गुप्ता नाम था। अच्छा तो रात को जग के पड़ता होगा। हाँ सो जाता था, होते हैं कई ऐसे, मेस में खाना खाया आके सबके साथ बकचोदी किया 1 घंटा सो गया 10 बजे, फिर जब और सब बकचोदी करते रहते हैं चलता रहता है तास वास, फिर जब सब 12 बजे तास वास खेल के सोएंगे तब 3 बजे जगेगा, 3 बजे देख जाएगा सबके रूम में जाएगा, इसे लाइट बंद है बाहर देखे लाइट जलता है सब बंद कर लेते ना सोते हैं, लाइट बंद फिर जलाया पढ़ा उसके रूम में, दो लोग सोए हैं सोते ही रह जाते हैं, सुबह जगने के पहले और बंद करके सो जाएगा। हाँ जगने के पहले सो जाएगा, फिर उन लोग के साथ जगेगा, फिर दिन भर घूमेगा, वो लोग सोचेंगे कि घूम रहा सो घूम। भाई फर्स्ट ईयर में दो लोग को खेल के था, रंजन राय को और सचिन कनौजिया को, उन्हीं के रूम में था। ऐसा होता है पर सब जगह नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। नहीं हमारे साथ मैंने कभी ऐसा बंदा देखा नहीं कि भैया, पर सुना जरूर है, बहुत जगह सुना है ये बात, ये स्टोरी। नहीं मैं भी बता रहा हूँ, एक बार क्या जतिन था वो क्या किया, हम लोग भाई बकचोदी करता था और गैस हो गया जाके, तो उस दिन मेरा मुँह हुआ लाख सलाह पढ़ लें, तो मैं पढ़ने लगा और सलाह वो मतलब क्या काम किया, एकदम रात में उठा और मतलब कि पेशाब करने आया हमारे रूम में, देखा मैं एकदम गया सो, मतलब ऐसे आपकी ठीक है, देखे साला पढ़ने लगा, मैं देखते रहे और दूसरे दिन मैं सुबह उठा, मैंने क्या साला एक चीज पढ़ रहा मैं, क्या हमें साला सबको सुबह देता अपना पढ़ता है। तब बाद में पता लगा हाँ ये सही रोज करता है। तो ये तो खुद को देखना चाहिए ना कि यार हम ऐसा क्यों करें, खुद को पता होना चाहिए ना, बेड़ चाल क्यों चलेगी, वही वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, उसकी पढ़ाई उसके लिए नहीं, अपना मतलब आता था कहीं कहता था ये काम करते हैं वो काम करते हैं, तो मतलब बाथरूम लगा लेता था अपना सो जाता था जल्दी, जानते हो यार ठीक देखे यार सब सर रोमा में घूमने जाते हैं बल्ब बंद कर कर मोबाइल जला के पढ़ते हैं यार। कोई पढ़ ना पाए तो स्कूल कॉलेज में फिर भी चलो चल जाता होगा, आप एक दो बंदों को पीछे कर सकता है, इतनी भीड़ है कंपटीशन में उनको कैसे पीछे करेगा, कंपटीशन में तो टक्कर देखना ही पड़ेगी ना फिर। सलाम मैं समझ नहीं आता, और ये अपनी सोच होती है कि अपने दोस्त को पीछे खसी अपन खिसका देंगे तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त को पीछे खिसकाना भी अपने खुद को पीछे खिसकाने के बराबर ही है, क्योंकि अगर तुम्हारा दोस्त गरीब है तो वो तुमसे हेल्प मांगेगा आगे ज़िंदगी में जाके, तुम हेल्प नहीं करोगे तो भी दिक्कत है और नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, तो इसके बजाय तो तुम साथ में लेकर चलो ना, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। नहीं उसका भी गलती है, अपने अपने भाग्य कर्म में होते ही हैं यार, तुम्हारी वैकेंसी को नहीं खा रहा वो आगे डाइवर्ट हो ही जाता है कहीं ना कहीं।
ऐसे किसी को नहीं ढकेलना चाहिए, कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए पीछे ढकेलने की, कहीं ना कहीं वो ना टक्कर जा ही जाती है। मानवता यार कुछ ना कुछ होती है कोई चीज़। मैं वो पॉजिटिव के देख दो चीज़ होती हैं, या तो माइंड को खुद कंट्रोल कर लो या माइंड तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। अगर तुम पॉजिटिव चीज़ नहीं सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ अपने आप आएंगी। तुम पॉजिटिव चीज़ बनाए रखो दिमाग में, कोई भी चीज़ बना दे रखो, उसी की तरफ बढ़ते रहो। अब आगे से आगे प्लान बना लो कि भाई मेरे को कल ये करना है। अगर तुमने कल का दिन पूरा खाली रखा है तो वो तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना माइंड में विचार में, वो तुमने पहले से प्लान सेट कर रखा है तो क्यों आएगा माइंड में। वो पहले वो तुम वो काम करोगे ना, खाली होगा तभी तो आएगा माइंड में। पहले मतलब कि थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा ना प्लान करके अकॉर्डिंग कि भाई क्या करना चाहिए। नहीं पढ़ता सुबह उठ के पढ़ता, अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं कॉलेज लाइफ में जाके, कॉलेज लाइफ को निकालना। अब जैसे बीटेक में तुम देख लो 99% होती है जो बढ़िया आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होता है उनके बैग के ठुकती हैं खूब वहाँ जाके। क्यों ठुकती हैं? वो लापरवाही की वजह से ठुकती हैं, बाकी ऐसा थोड़ी है। डिप्लोमा में बैग लगती हैं खूब लोगों के, फेल होते हैं बहुत सारे, तो उसी वजह से होते हैं। परसेंटेज तो अच्छी होती है तभी तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है उनको, फिर फेल कैसे हो जाते हैं? ये तो है नहीं है कि उनकी क्वालिटी कम हो, कमज़ोर पड़ जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। अब लापरवाही किस चीज़ के लिए कर जाते हैं वो दोनों ही सोचना चाहिए ना। और ज़्यादा सोचे ना थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लो एक बंदा कोई गर्लफ्रेंड से 8 घंटे बात कर रहा है या 10 घंटे बात कर रहा है, मैंने भी हाईएस्ट बात की हुई है 16 घंटे कंटिन्यू बात की हुई है, तो फिर तुम रियलाइज़ करो कि मान लो मैं 16 घंटे गर्लफ्रेंड से बात कर सकता हूँ तो मैं अपने परिवार से कितने घंटे बात कर सकता हूँ कंटिन्यूस। फिर कंपेयर करके देखो, फिर दोनों का प्यार कंपेयर करके देखो कि ऐसा क्या गर्लफ्रेंड का प्यार हो गया और क्या माँ बाप का ऐसा प्यार हो गया कि वो इतनी ज़िंदगी पाल रहे हैं तो उनकी तरफ तो मैं अट्रैक्ट नहीं हो रहा, और एक लड़की की वजह से सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, 8, 10, 16 घंटे में बात कर लेता हूँ, ऐसा क्या हो गया। फिर खुद को अगर उस टाइम पर रियलाइज कर जाओगे तो तुम अपना माइंड मोड़ लोगे और से चल रहा है चलने दो, तो फिर थोड़े बहुत दिन में ये हाल हो जाएगा कि पता चलेगा कि बहुत नीचे चले गए, वहाँ से उठ ही नहीं पा रहे, ऐसा होता है। तो रियलाइज करना, खुद को चेक करता रहना चाहिए बीच में। जैसे यार कोई शरीर में बीमारी होगी, एक तो लास्ट स्टेज में पता चले तो मैं बीमारी की, यार बीमारी का अब कोई इलाज ही नहीं है, कैंसर है बढ़ गया, और एक तो मैं स्टार्टिंग स्टेज में, तो खुद को चेक करते रहना चाहिए हर 10 दिन में 5 दिन में कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहाँ मुझे जाना चाहिए, या क्या सच में मेरे लिए ये रास्ता सही है नहीं गलत है, तो तभी तो पता चल पाएगा ना। तुम जा रहे हो देख रहे हो नहीं कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो, बाद में पता चला कि खाई में आ गए, अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो बहुत फर्क पड़ता है यार, खुद को चेक करना चाहिए। हम दूसरों को देखते जाते हैं यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, दूसरों को नहीं खुद को चेक करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और खुद को चेक करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खुद के अंदर कि हाँ यार मैं यहाँ इस क्षेत्र में थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ या मेरे को ऐसे चलना चाहिए, अपने आप रास्ते बनते जाते चले जाते हैं। और नहीं सोचोगे तो कहाँ रास्ता है यार, सब ज़िंदगी वहीं समटती हुई दिखती है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है ना। राड कौन तो खराब करे हमारे, क्या हुआ कौन राड, हमारी राड कितने खराब है हमें क्या पता, हमें पता हमने वो किया था तो बताना चाहिए ना भाई, राड खराब हो गई तो ठीक कर भाई, कौन ठीक कराएगा, मैं ठीक करता, प्रदीप ठीक करेगा, तो इलेक्ट्रिक जल करना है तो ना कर सकता, मैं नहीं करूंगा, घंटा ठीक ना कर सकता, घंटा ठीक करेगा बता रहे। अरे जब सही गलत कुछ नहीं होता है यार इंसान के, सबको थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होता ही है, पर इतने थोड़े कि तुम्हें बुढ़ापा आ गया कि अब संभल ही नहीं सकते। कई कई ऐसे उदाहरण है, अभी जो आईएएस टॉपर बनी है ना, जो क्या नाम है उसका, किरण बेदी, तो बहुत पहले की बात है, अभी एक लड़की बनी है आईएएस टॉपर, 28 साल की या 29 साल की बनी है, उसके बच्चा भी है एक, पता नहीं कि नाम तो क्या है उसका, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, जॉब भी की हुई है उसने, 8-10 साल जॉब की हुई है, उसके बाद में वो तैयारी की है। अभी मेरे फ्रेंड की एक माँ है, तो लड़के की जॉब नहीं लगी, उसकी माँ की जॉब लगी है, पटवारी बनी है अभी राजस्थान में। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती कि यार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितना भी तुम माइंड को जितना यूज करोगे उतना ही काम आएगा। अब ये तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम्हारा माइंड कितना चल सकता है, जब काम में लोगे तो ये तो पता चलेगा।
ऐसे हाँ कुछ होते हैं गॉड गिफ्ट, लेकिन ये नहीं है कि सबको भगवान ने सेम माइंड दिया है, एनवायरनमेंट बना देता है कुछ ऐसा। पर ये तो है ना, जितना दिया उसका तो सब ढंग से उपयोग करें, उसको तो सही ढंग से बढ़ाएं। इसकी कोई GB में थोड़ी है कि हाँ ये 15 GB है, इससे ज़्यादा तुम स्टोर नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तुम जितना स्टोर करोगे उतना ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना है, तुम्हें MP3 डालने, MP4 डालने, किस तरीके की वीडियो डालने तुम्हें, तो माइंड में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ना ये। तो ये चीज़ें यार सोचने पे ही पता चलता है, सुनने में थोड़ी लगती है कि हाँ चल रहा है चल रहा है, पर रियल इफेक्ट हैं ज़िंदगी के, कि हाँ हमें सोचना चाहिए ज़िंदगी के बारे में, तभी जाके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तो होता है कुछ। ये बाकी तो लगता है कि हम गुजर गए, सब 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 इतना ही जियेंगे यार जितना जी रहे हैं। ये थोड़ी है कि भाई तुम करीब के रूप में जियोगे तो भी इतने जियोगे जितना जीना है। मंजिल पाए, मंजिल के लिए गया है वो मंजिल उसको मिलती है, मिलती है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्म करता है तो फल तो मिलता ही होगा कुछ ना कुछ तो यार, इतने सारे लोग कर्म करते हैं। अब ये थोड़ी कि सभी आइडियल है, जैसे महात्मा गांधी का अपनी जगह पर अलग स्थान है, सुभाष चंद्र बोस का अलग स्थान है, तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आदमी है यार अपने अपने हिसाब से। भगत सिंह का अलग है। अब सब भगत सिंह बनना चाहते हैं तो सब भगत सिंह थोड़ी बन सकते हैं जिंदगी में। नहीं वो तो कभी भी निकाल सकता है यार, कंपनी तो कंपनी है। नहीं अब तुम देख लो ना, जब मान लो तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं छोड़ दो या मतलब जॉब लग जाए तो अच्छी बात है ना यार, जॉब लग जाए तो कोशिश करनी चाहिए। और जॉब लगना कितनी बड़ी बात है यार, इस टाइम पे बहुत अच्छी बात है जॉब लगना, कहाँ कितनी इमेज बढ़ जाती है। अब तुम्हारे कोई फैमिली से आया तुम क्या क्या दिखलाओगे उसको, कहाँ सुलाओगे? ऐसे ज़िंदगी ऐसी लग रही है जैसे मज़दूरों की ज़िंदगी होती है, मज़दूर जाते हैं, मज़दूर तब भी अच्छी लगते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं 399 लाते हैं वो बढ़िया रहते हैं, पर उससे कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है यार। पढ़ाई करिए वो भी टेक्निकल लाइन में, ये प्रोफेशनल में आती है। BA वालों को लोन नहीं मिलता, BTech वालों को लोन क्यों मिलता है? क्योंकि ये प्रोफेशनल नॉलेज होता है, इंजीनियरिंग होती है, तो BA डिप्लोमा ये सब इंजीनियरिंग नॉलेज है, तो इसका कुछ तो इमेज होनी चाहिए ना। वो पढ़ाई कर सकते हैं यार, जैसे कंपनी के साथ में पढ़ाई कर नहीं सकते, कंपनी में क्या करते हो तुम, बैठे बैठे तो काम करते रहते हैं, नहीं वहाँ दौड़ना पड़ता है या पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं या कुछ करना पड़ रहा है, बैठे बैठे ही पढ़ सकते हो तुम, बैठे बैठे जैसे यहाँ पे पढ़ के चले गए कंपनी में, तुम काम करते करते उसको रिवाइज कर लिया माइंड में कि भाई क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, वहाँ पे तुम रिवाइज करोगे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने मेरे को ये चीज़ें याद आ रही हैं ये चीज़ें नहीं आ रही, फिर आके उन चीज़ों को देख लिया था आधे घंटे के अंदर, फिर दोबारा पढ़ लिया नया, फिर दोबारा वहाँ जाके रिवाइज कर लिया। जब दिमाग में होगा कि मेरे को पढ़ना है तब तो, हम भी तो ऐसे करते हैं, कभी खेलने जाते हैं तो खेलने की जगह है भाई 8-10 घंटे मतलब कि ज़्यादा टाइम खेल रहे हैं, या हमारा नंबर नहीं आ रहा है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तुम फील्डिंग कर रहे हो, तो फील्डिंग करते समय हमेशा तुम्हारे पास बॉल आने वाली है नहीं है, तो बॉल अब जब खेलने जाते थे हम तो सारे दिन खेलते रहते थे तो सारे टाइम वहीं पर रिवाइज कर लेते 10वीं क्लास में, तो टाइम का मैनेजमेंट होना जरूरी है ना। वो तो खेल भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि हम लोग को एग्जाम टाइम में ऐसा फीलिंग होता है, तो एग्जाम टाइम पे प्रेशर रहता है कि हाँ भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कुछ भी जाते याद आ जाता है, पर वो एग्जाम टाइम पे प्रेशर रहता है, बाउंडेशन रहती है। अभी कोई बाउंडेशन नहीं है ना कोई प्रेशर है, बस सोच लिया है। अभी देखो कहीं कोचिंग जाते हैं तभी मतलब हाँ साधन रेगुलरिटी बनी रहती है, थोड़ा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा समझाती ये करो वो करो। तो जब कोई कोई भी मोटिवेशन नहीं है तो खुद को मोटिवेट करना चाहिए ना यार, खुद अपने आप को मोटिवेट करे कि भाई हाँ करना चाहिए अपने को। जैसे ज़्यादातर कोचिंगों का यही तो इफेक्ट पड़ता है कि यार पैसे लग रहे हैं पढ़ लेना चाहिए, वो भी तो फर्क पड़ता है ना। अब यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, ऐसा ना कोचिंग जाओगे तो वहाँ कुछ 3 घंटे तो पढ़ोगे पढ़ोगे कुछ, उसके बाद आओगे उसके बाद तुम घर पे आओगे या रूम पे आओगे तो वहाँ से आओगे खाना खाओगे कहोगे ये काम कर लें थोड़ा सा, 1-2 घंटे तो आप काम करोगे कम से कम, 3 घंटे वो 2 घंटे मान लो रूम पे पढ़ोगे 5 घंटे हो गया, अपने आप पढ़ाई निकल आती है कोचिंग से, बस इतना सा फायदा। फिर शाम को मतलब कि सब देखा दूनी क्या करोगे पढ़ोगे, एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है ना, वही तो बात है। कंपनी वाले में क्या होता है अब गए तो कंपनी वाले लोग भी तो वहाँ ऐसे ही मिलते हैं कोई पढ़ाई की बात, और मान लो पार्टनर भी होगा कोई ऐसा पार्टनर होगा जो नहीं पढ़ने वाला भी हो
तो ज्यादातर यार कभी कभी मन भी छट जाता है कई लोगों का, नहीं करता थक गए तो आज नहीं पढ़ेंगे, या मतलब कि पर थकते जब ही हैं, जब अपन सोचते हैं ना कि थक गए, अगर तुम्हारे माइंड में ये नहीं आएगा ना कि हम थक गए, तो तुम थकोगे नहीं सच में, और अगर सोचा कि थक गए तो सच में थक जाओगे। सोच का दिमाग को अपनी सोच ही थकाती है, जैसे सोचोगे वैसे ही काम करेगा दिमाग। सही, थोड़ी शरीर को जितने आराम दोगे ना और मांगेगी आराम, तुम सोचोगे आठ दस घंटे सो लिए, आठ घंटे छः घंटे सोना जो काफ़ी होता है, आराम आराम आए, और प्रॉपर खाना भी बहुत ज़रूरी है यार। अब तुम खाना क्या खा रहे होंगे, जो रोटी इनमें कोई ज़्यादा खास चीज़ें है नहीं, प्रोटीन प्रोटीन जो भी कुछ है नहीं, कार्बोहाइड्रेट आलू है, सूखा आलू, अब जो भी भी तो खाना भी तो जरूरी है प्रॉपर यार, वो भी तो चीज़ें है, बट ढंग से चीज़ें, हाँ माइंड भी तो इसी हिसाब से चलेगा ना यार। पेड़ को तुम टाइम पे पानी यानी जो भी ठीक नींद लगोगे, जो भी चीज़ जरूरी है, अच्छे से रहोगे ना तो 8000 नहीं तो नहीं बचेगा। अगर तुम पढ़ाई हो रही है तो क्या दिक्कत है, नहीं बचे तो मत बचो, और क्या है। अगर तुम पढ़ रहे हो प्रॉपर खा लो और प्रॉपर पढ़ लो, बस तीन चीजों पर ध्यान रखो, जो कंपनी जाना है प्रॉपर 6 घंटे 7 घंटे सोना है, पढ़ना है और खाना है, बस किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और कितने साल करना है, ज्यादा 1 साल 2 साल करोगे हो जाएगा इतने में काम, और नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, क्या होगा उससे। ये सोचो आज 2000 बचा, मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, मैंने ये निकाला है, जैसे कि यहाँ पे घर पे भी रहो पढ़ो, रोटी बनी बनाई मिलेगी, हाँ दिन भर खाली हो पढ़ो तो सब क्या दिक्कत है। अगर घर वाले इस चीज़ की अनुमति दे रहे हैं, घर वाले सबके चाहते ही हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़े, कौन चाहता है कंपनी में काम करें, और घर पे बैठ के पढ़ोगे तुम तो तुम्हारे पास सारा ही टाइम है ना फिर, तो सारे टाइम क्या दिक्कत है घर पे बैठ। एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर ले यार, अब क्या करें, जोश होता है ना आदमी में तो एनवायरनमेंट खुद क्रिएट हो जाता है, ऐसी बात नहीं। कोई कमरे में आता नहीं है, घर पे फैसिलिटी है तो घर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लो कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, 3-4 हज़ार रुपये मिल जाता है लोन को कोर्स, बाकी जितना सेल्फ स्टडी करे उतना ही फायदा है। घर की तो कोई बोई बोई नहीं होगी, सब चीज़ मिलती है तो क्या दिक्कत। अब खुद तो यार घर, अगर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट ठीक ठाक, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, माहौल पर माहौल यार एग्जाम का रहता है, देखे होते हो 10 दिन में पूरा तैयार हो जाता है। हमारे घर पे मतलब कि 10 बजे से पहले चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, 10-11 बजे पहले फिर क्या दिख, नहीं सोने का तो यार अब तो खुद के ऊपर है वो, तो पढ़ने वाले ना हम लोग थे, अब मैं ध्यान चलाया तो छोटे छोटे हैं वो पढ़ रहे होंगे, 10 बजे से पहले कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि मम्मी पापा सो जाएंगे तो छोटे छोटे सो जाएंगे, इसलिए कोई नहीं सोता है, पढ़ाते भाई। अभी उम्र है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, अभी अगर जिज्ञासा है तो पढ़ लेना चाहिए। कहाँ पर है घर? फरुखाबाद है, कानपुर तो गया हूँ मैं, कायमगंज सुना, कायमगंज नहीं कानपुर तक ही गया हूँ, बाकी अलीगंज सुना, अलीगंज सर जी, अलीगंज एटा सुना नहीं यार, कानपुर भी इसलिए सुना है क्योंकि IIT में गया था ना मैं, कानपुर IIT, हाँ तो उस वजह से सुना। बताओ फरुखाबाद बताओ, नाव बता दोगे उसमें छोटा सा ऐसे है, बनास जानते हैं सर जी, बनास नदी का नाम सुना हुआ है, नहीं 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 गया, BHU सुने ना, BHU BHU सुना है, महादेव वर्मा का जीवन परिचय सुना है, हाँ हाँ सुना है, हुआ था पाठ का नाम आता था, कंपिल सुना है, कंपिल कंपिल का नाम बहुत पुराना है, कपिल मुनि, हाँ कंपिल, कंपिल नहीं सुना है, कन्नौज, कन्नौज कन्नौज तो सुना है, हाँ कन्नौज मतलब फरुखाबाद की भाई, फरुखाबाद में है कन्नौज, अयोध्या सुनिए सर जी, तो तुम्हारे अयोध्या तो सुना है भाई यार, अयोध्या में अयोध्या की तो रोज ही न्यूज आ रही है, रोज ही समाचार है, राम सुनवाई की, राम मंदिर की नहीं हो रहा पाया, ये बनारस अयोध्या में क्या प्रॉपर अयोध्या के, ना ना एक प्रॉपर अयोध्या के, तुम्हारे क्या सिस्टम है, वो राम मंदिर का क्या सिस्टम है, कुछ होता है कि वहाँ पैसा फोर्स लगे रहते हैं सर जी, हम प्रॉपर बनारस के हैं, काशी उसी से पूरा उड़ाया, क्या स्टोरी है उसकी, ऐसा क्या होता रहता है, मतलब स्टोरी सर ऐसे चलता रहता है, राजनीतिक प्रतीका बस स्टोरी
सही कुछ नहीं होगा जब सब ऐसी मतलब सुपर ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे राम के लायक ऐसा कुछ मंदिर वंदिर है जैसे है वहाँ पे राम का है लक्ष्मण भगवान का सीता जी का हनुमान जी का है मंदिर पहले था नहीं यार मंदिर नहीं है ऐसे मूर्ति रखा हुआ है हनुमान जी का मूर्ति रखा हुआ बहुत ऊँची हल्काई से और दूर मतलब बहुत दूर से सब मतलब वो पूरा लगा हुआ है नहीं ऐसे जब तो जैसे तुम वहाँ पे अयोध्या में रहते हो वहाँ पे तो ऐसे फीलिंग आती है कि कभी यहाँ पे राम राज्य था ऐसा कुछ घर टाइप बने थे हाँ पहले से बहुत सारे मंदिर होंगे ना ऐसे तो बहुत मंदिर तो बहुत सजी है अयोध्या में तो फिर एक जगह पे क्यों लड़ रहे हो देख मेरा बनारस इतना प्रसिद्ध है कि उसमें पूरा मंदिरों का शहर है ऐसा है ना ऐसा होता है कि लड़ने के बाद बता है जैसे लड़ने के बाद बता रहे जो मतलब जगह है राम जो मंदिर बनने के लिए उनका जन्म हुआ बीएचयू यूनिवर्सिटी और हिंदुओं का मतलब कि जो भगवान शिव की काशी इसलिए काशी करवट हुई है वहीं पर शिवलिंग तुम्हारे बनारस में है काशी करवट वही हुई है सुना है तो शिवलिंग है अब होगा यार जो भी किसी तुम्हारे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर एएलपी का कितने लोग सबका ही क्लियर होगा एएलपी शायद ना ना हम लोग डाले हम नहीं डाले थे दोनों डाले थे लोग अगर इसका क्लियर है नहीं यार एएलपी में तो सबके कैसे में तो लगभग 50% लोग को बता दिया हां हां तभी तो मतलब मेरे से चूक हुआ है बस एएलपी ठीक ठाक चांस है वैसे सैलरी बहुत ज्यादा है एएलपी में यार 35000 अरे ओवर ड्यूटी करेगा 80-90 कमा लेता है तो ड्राइवर में वो तो बैठे बैठे के काम है ये जो चलाने के काम है और लेकिन बस बात है साइको साइको में साला सारा छोटा छोटा चीजें चेक करते हैं इससे साला बुरा दिन ही हुई है दिमाग खराब कर देते हैं वो प्रैक्टिस से हो जाता है सब कुछ सुनी सब की भर्ती कैंसिल हो जाए रेलवे वैकेंसी कैंसिल नहीं होती है नहीं कैंसिल तो नहीं होगी हां ये ध्यान रखना रेलवे की हो सकता है वो चुनाव से पहले पहले ही सारा काम कर दे मार्च तक हो जाएगा पूरा टोटल सब जो भी प्रक्रिया होंगी सब ग्रुप डी से लेके इसका जेई जूनियर जूनियर छोड़ के आरपीएफ का और ये जितने भी लेती है ये सबका क्लियर हो जाएगा मार्च तक पूरा ऐसा सूचना मिला है मतलब न्यूज और ये नहीं जानता भाई भविष्यवाणी नहीं कर सकता अब तो सारा चीजें मिल जाती हैं यार YouTube YouTube पे कहीं ना कहीं YouTube ऑनलाइन पढ़ो तो सोचते हैं एक बार कैंसिल हो जाए फिर से पेपर हो क्या हम सोचते हैं वाह वाह क्या बात है टोपी न्यू टोपी खा लो ना खाना भी रखा है आपको चलते चलते खाऊं 12 बज गए बेंच गार्ड अंदर नहीं जाने देंगे नहीं बोलेगा लेकिन हमको तो जाने देगा कोई है नहीं अंदर मशीन खड़ी रह जाएगी अगर मैं बाहर रह गया तो कोई भी नहीं आप तो लोंडर है पहुंच भागते भागते जा भाग यही खाना रखा खाना खा ले पहले अभी कलेश तो कट गया एग्जाम वैसे तो कम यार गलती हो गई आज बस ट्रेन में बैठे पहली बार नहीं तो ट्रेन में क्यों बैठा बस में आना चाहिए था ना गलती से बैठ गया पैसा बचाना था सर जी को नहीं यार उसी टाइम मुझे 2:30 बजे आया था मैं स्टेशन 2:30 बजे को मैं समझ रहा था रानी खेत थी लेकिन वो भी 4 घंटे लेट थी आज तो सर छोटे मोटे स्टेशन पर लेट रहती है भाई है सर्विस तैयारी करते उनकी अभी गेट गेट की तैयारी कर रहे हैं ग्रेट एग्जाम भी ऐसे ने हाँ हाँ खा के आया था मैं कितने एग्जाम पेपर में पास हो जाएगा अब एमन फिर पास हो जाएंगे उनके माइंड कितने पेपर में पास हो जाएगा सब में पास हो जाएगा ये बहुत बड़ी बात है कैसे पास हो जाएगा बिना पढ़े हैं हमेशा पढ़ता है चलो देखते हैं रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा आपका रिजल्ट जनवरी फरवरी के लास्ट में आ जाएगा आपका रिजल्ट हाँ अगर तू अरे अपना देख लीजिए एडमिट कार्ड अभी एग्जाम पास भी कर जाएगा ना तो बीटेक वाले तो इसका मतलब यही है कि तू जॉब भी लग सकता है फिर तो आराम से इतनी भाग दौड़ में तो अगर तू एग्जाम भी पास कर जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर बोलिए जल्दी
अपना नेट भी आ गया होगा ना 12 बज गए। क्यों वो 27,000 का इकली भरे थे? पहले क्या 27,000 का इकली लिए थे पहले? तो पहले 5-7 हज़ार दिए थे। हाँ तो इन्होंने बोला था कि 27,000 दे दो बाकी कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो फिर मतलब क्या था उस बात का? तो 27,000 दे दो दिए, अब क्या चाहिए? हर साल 20,000 देने पड़ेंगे। तो ये बात पहले तो बताई नहीं उन्होंने? ऐसे बात की थी और किसी बात करूं? तो हर साल तेरे को स्कॉलरशिप भी तो मिलेगी फिर? थोड़ा सा।